लोग ये कहते हैं कि अगर आपने एक कप आइसक्रीम खा ली है तो उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको 20 मिनट तक जॉगिंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं होता। जो भी हम फूड खाते हैं उसकी सारी कैलोरीज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू ही बर्न नहीं करते, और भी कई तरीके होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। सबसे पहला आता है BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी रेस्ट में भी बर्न करती है, जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है अपने कई बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन हो गया। ये सब ऐसे फंक्शन है जो रेस्ट पे भी चलते रहते हैं और इनको करने के लिए भी एनर्जी लगती है। जितनी भी हम टोटल कैलोरीज बर्न करते हैं उसका 70% हमारा BMR में ही लगता है। दूसरा आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी ये वो कैलोरीज होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बर्न होती हैं। तो हमारे जो टोटल कैलोरी बर्न करती है बॉडी उसका 10% हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में ही बर्न होता है। तीसरा आता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, या फिर हम इसे नीट भी कह सकते हैं। अब ये वो कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडी बर्न करती है उन एक्टिविटीज में जो एक्सरसाइज में नहीं इंक्लूड की जाती, जैसे कि वीडियो बनाते हुए मैं बोल रहा हूँ ये नॉन एक्सरसाइज में आता है, आप कहीं वॉक करके जा रहे हैं तो वो भी नॉन एक्सरसाइज में आता है। तो इन सब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज को बर्न करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आती है नीट में। हमारी टोटल कैलोरी बर्न जो होती है उसका 15% हमारा नीट में बर्न होता है। चौथा आता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ये वो कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडी बर्न करती है एक्सरसाइज करते वक्त। अब आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब एक्सरसाइज एक्टिविटी में आता है। और इसमें टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर का सिर्फ 5% एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में बर्न होता है। तो ये मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है ना कि ऐसा कि आपने एक कप आइसक्रीम खाया उसमें 100 कैलोरीज थी तो आप 4 घंटे वर्कआउट करेंगे उन 100 कैलोरीज को बर्न करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बॉडी अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइवल के लिए उनको अपने हिसाब से बर्न करती है। और वही जैसे मैंने आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बताई थी, 70%, 15%, 10% और 5%। सपोज मैं स्मार्ट वॉच पहन के वर्कआउट करता हूँ और मेरी स्मार्ट वॉच में शो हो रहा है कैलोरी एक्सपेंडिचर 100 कैलोरीज का जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी पूरे दिन में सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न कर रही है, वो एक्चुअल में 5% है मेरे टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर का। अब 100 मेरे टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर का 5% है, अगर थोड़ी सी हम मैथ्स करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि मेरा जो टोटल कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो 2000 है। अब मैं बात करूँ BMR की, मेरी बॉडी मेरे सर्वाइवल फंक्शंस के लिए जो कैलोरीज को बर्न कर रही है वो होगी 1400, क्योंकि 2000 का 70% होता है 1400। 1400 कैलोरीज मेरी बॉडी बर्न कर रही है मेरे सर्वाइवल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर बात आती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की, जिसमें 10% बर्न होता है, तो 2000 का 10% होता है 200, और बाकी की बची 15% नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में बर्न होंगी। तो ऐसे हमारी कैलोरीज बर्न होती है इन परसेंटेजेस में, ऐसा नहीं है कि 100 कैलोरीज अगर शो हो रही है मेरी स्मार्ट वॉच में तो मैं पूरे दिन में उतना ही बर्न कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो।